friends, I'm your host Huzan and you are watching your favorite show WhatsApp TV. Today we've got for you something really special. Since Gudi Padwa is around the corners, today's show is based on this special festival which is celebrated by Maharashtrians. We have specially brought for you guys some special segments of Gudi Padwa from your favorite stars. Yashashri celebrates Gudi Padwa with great enthusiasm and she can also make great Gudi flags. ये तैयारियां हो रही है गुड़ी पाड़वे की और इसलिए हमने ये गुड़ी पाड़वा की जो गुड़ी होती है उसके लिए हमने ये लाठी तैयार की है. इफ़ यू कैन सी ये नीम के पत्ते हैं, हल्दी कुमकुम है, गेंदे की मालाएं है, कलश है. ये जो गुड़ी है ये विजय की पताका कहलाती है, इसलिए इसे हवा में ऊंचा लहराते हैं और हमेशा इसको ऊंचा रखते हैं. मैंने अपनी गुड़ी सजा दी है, बस अभी कुछ फूल डालकर इसे मैं ज्यादा सुशोभित करना चाहती हूँ. अब हमारी गुड़ी रेडी है, इस पे सिर्फ स्वस्तिक बनाना बाकी है. स्वस्तिक इसलिए बनाते हैं कि स्वस्तिक शुभ चिन्ह माना जाता है और ये हमारी हर पूजा में, हमारे हर शुभ काम में इसका उपयोग किया जाता है. एग्जैक्टली ये महाराष्ट्र लोगों के लिए नए साल की शुरुआत होती है और इसलिए इस त्यौहार को हम इतने धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि हमेशा नए साल को खुशी से वेलकम करना चाहिए. शॉपिंग तो नहीं बट यस, मेरे पास एक ट्रेडिशनल ड्रेस है. जनरली मैं ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनती हूँ अपने त्योहारों पे. सो दिस टाइम ऑल्सो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं साड़ी, महाराष्ट्र साड़ी और नथ पहनूंगी. मम्मी पापा को आज तक गुड़ी बनाने में हेल्प नहीं की पर हमेशा देखा कि कैसे बनती है, तो ऑब्वियसली इतना इस टाइम ये बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ. बस यस, मम्मी को मैं पूरी और श्रीखंड ख़त्म करने में बहुत हेल्प करती थी. अब मैंने खाना बनाना सीख लिया तो सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर का पूरी और श्रीखंड मैं ही बनाऊँ और मम्मी को सरप्राइज करूँ. नया साल शुरू हो रहा है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, इसलिए वेरी हैप्पी न्यू ईयर आणि गुढी पाडव्याच्या खूप 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 शुभेच्छा. ये हमारी विजय पताका, हमारी गुढ़ी रेडी है. सो इसे हम हमेशा अपनी गैलरी पे, खिड़की के बाहर या अपने छत पे लगाते हैं. गुढ़ी हमेशा ऐसे टेढ़ी लटकाई जाती है, उसका भी एक रीज़न है ताकि वो हमेशा हवा पे लहराती रहे. सिंस इट इज़ कॉल्ड विजय पताका तो पताका हमेशा हवा में लहराती रहनी चाहिए, इसलिए इसे हमेशा टेढ़ा रखा जाता है. बाय द वे, इस नए गुड़ी पाड़वा के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और आने वाला साल आप सबके लिए बहुत 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 सुपर डुपर अच्छा हो. और यस, मेरे फैंस के लिए एक स्पेशल गिफ्ट. योर फेवरेट राशि फ्रॉम साथ निभाना साथिया, दैट इज रुचा एंड रुनाल फ्रॉम अर्जुन. They also celebrate Gudi Padwa in the typical Maharashtrian style. So let's see how Mrunal and Richa celebrate Gudi Padwa. हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी गौरी भोसले यानी कि साक्षी यानी कि मृणाल ठाकुर. बेसिकली मैं यहाँ पे रंगोली निकाल रही हूँ बिकॉज इट इज़ गुड़ी पाड़वा टुडे. गुड़ी पाड़वा मतलब महाराष्ट्र, जैसे कि मैं महाराष्ट्र हूँ तो हमारे घर पे बहुत जोर शोरों से ये फेस्टिवल मनाया जाता है. एंड सेकेंड थिंग, इट्स लाइक माई फादर्स बर्थडे, तो पापा का जन्मदिन और गुड़ी पाड़वा बहुत जोरों से मनाया जाता है. और मैं एक बहुत ही अलग यूनिक रंगोली निकालने वाली हूँ विच इज़ ऑफ मल्टी कलर. दिस इज़ अ मल्टी कलर रंगोली, मैं काफ़ी दिनों बाद निकाल रही हूँ. आई होप इट टर्न्स आउट गुड.
मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आई विल बी डूइंग समथिंग लाइक अर्जुन, जो यू नो लॉट ऑफ स्टंट्स, एक्शंस, भागना दौड़ना, इसके पीछे भागो उसके पीछे भागो, टैन हो जाओ, मस्ती करो. एंड स्पेशली द ETF टीम पूरी इतनी प्यारी है, राइट फ्रॉम आयशा, राइट फ्रॉम लीजा, राइट फ्रॉम श्री, छोटू, और बहुत मज़ा आ रहा है. एंड लेट्स सी अभी लोगों को पसंद आता है कि नहीं, बट लॉट ऑफ पीपल आर एंड आई रीड द कॉमेंट्स, मैं पढ़ती रहती हूँ उनको क्या चाहिए. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप मुझे यू नो सलाह दें कि यू नो व्हाट आई एम सपोज टू डू एग्जैक्टली, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. सो मेरे नए घर में पहली बार रंगोली बन रही है ये. माय गॉड, क्या क्या नहीं बनता है खाने को. नैवेद्य दिखाते हैं गुड़ी को, एंड देन फिर वो जो ताट होता है जो भगवान के लिए बनाते हैं, वो हम पापा को खिलाते हैं उसके बाद. सो फाइनली मेरी रंगोली बन गई है. सो आज एक स्पेशल जज आए हैं यहाँ पे, दैट इज़ माई सिस्टर लोचन ठाकुर, जो रंगोली एबलिए को जज करेंगे. शी ऑल्सो लाइक्स मेकिंग रंगोली. मैं जब रंगोली बना रही थी तो उनके वॉइस ओवर्स चल रहे थे, कितना गंदा बना रही है इसकी तो देखती हूँ मैं. डिड यू लाइक द रंगोली? यस ऑफ कोर्स आई लाइक इट. प्लीज गो एंड जज. हाँ, सब ठीक बनाया, बराबर बनाया. आई गिव यू 10/10. इट्स ऑसम, इट्स सुपर, बट इट्स नॉट परफेक्ट दो. मैंने काफी दिनों बाद रंगोली. नो बट स्टिल ऑसम. आई कैन से गुड, वेल डन, शाबाश. After all, कुछ तो सीखा मुझसे. Hello, this is my effort. Okay. चलो, I taught you. Come on. No, this is my creation. This is my imagination. This is my idea of. Okay, come on. All credit goes to you. Okay? Yeah, that's all I wanted. जब राम जी वनवास से जब लौटे थे, तो ये गुड़ी उबारी गई थी. Even छत्रपति शिवाजी महाराज this epic, what do I say, victory जीत कर आए, इसलिए ये गुड़ी बारी जाती है. और नई शुरुआत, नए साल की नई शुरुआत, इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता है. तो यार, गुड़ी पाड़वा के दिन मेरी दादी जो थी वो हमें एक चीज देती थी, दैट इज नीम के पत्ते और गुड़, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कड़वा और मीठा. सो या इसीलिए प्रसाद के तौर से यू नो गुड़ और नीम के पत्ते दिए जाते हैं. एंड आई विश टू लाइक इट. नीम के पत्ते कभी खाए नहीं, बहुत कड़वे होते हैं गुड़ के साथ खाने को. और स्पेशली दिस डे या लाइफ में जो अप एंड डाउन होते रहते हैं, वो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई दुखी नहीं होगा तो खुश कैसे होगा. या from the Thakur Parivar, I want to wish all my viewers and everyone happy Gudi Padwa and happy new year. Happy new year. आज हालांकि गुड़ी पाड़वा है, तो एक दिन पहले मैं आज ये सारी तैयारियां करने वाली हूँ सेट पे. ऑफकोर्स मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को छुट्टी नहीं है. सो मैं सारी तैयारियां आज इन बिटवीन द शॉट सेट पे करने वाली हूँ. तो फिलहाल तो मैं शुरुआत करने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कि गुड़ी पाड़वा में लगने वाला जो तोरण होता है, जो हम हार कहते हैं, तो वो हार मैं आज इधर खुद बनाने वाली हूँ. मेरे पास एक बहुत सुंदर सी डेकोरेटेड थोड़ी सी कटोरी है जो ऑलरेडी बहुत सुंदर लग रही है. सो ये फ्लावर्स मुझे इसे निकालने को बहुत बुरा लग रहा है. सो ये सारी चीजें हम गुड़ी पे लगाते हैं, तो कुछ कुछ चीजों को मिक्स करके मैं अब हार तैयार करूँ. ये सारी चीजें बचपन से मैं मेरे घर पे करती आ रही हूँ, और अभी शूटिंग की वजह से कभी कभी टाइम नहीं मिलता, बट आई मेक श्योर कि मैं गुड़ी पाड़वा के दिन छूटू. लेकिन इस बार इट्स गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स नहीं है, माय पेरेंट्स आर आउट ऑफ टाउन. तो पापा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बार इतने सालों में मुझे दी है. मैं
मैं देख रही हूँ चेक करके ट्रायल एंड टेस्टेड कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कैसे अच्छा लग रहा है, जब हम लगाएंगे। जैसे आप हमें एकदम प्रॉपर ऐसे बहू के किरदार में देखते हैं, तो ऑफकोर्स ये सारे जब फंक्शंस होते हैं तब हम भी बैठ के ये सेट पे करते हैं, और एक्चुअली ये सब सारी चीज़ें सेट पे बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हम सीन्स के बीच में ये सारी चीज़ें करते हैं, सो इट्स लॉट ऑफ फन। तो सब लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करते होते हैं और वो दिखता भी बहुत प्यारा है, सो इट्स सुपर फन। सो सेट पे मारामारी चलती है कि मुझे ये फ्लावर चाहिए, मुझे वो फ्लावर चाहिए, सो सारी मस्ती के बीच हम काम भी कर लेते हैं। सो जैसे ये तोरण मैंने अपने घर में बनाया है, हालांकि मैंने सेट पे बनाया है, तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें खुद घर पे बनाओ क्योंकि ये घर पे बनाने में सारी चीज़ें बहुत मज़ा आता है, और खुद की हुई चीज़ें लगाने में जितनी खुशी आती है वैसे रेडीमेड चीज़ों में नहीं आती। सो जो लोग घर पे स्वीट्स बना सकते हैं वो भी सारी चीज़ें बनाइए, खूब सारी स्वीट्स खाइए, और आशा करती हूँ कि आप लोगों का भी आने वाला अगला साल बहुत अच्छा जाए। Since it's Gudi Padwa, how can we forget to take the blessings of God? So on this special occasion, see how Sonali Nikam is making kheer. Hi friends, I am Sonali Nikam. आप मुझे ऐसे देखकर सोच ही रहे होंगे कि सोनाली को क्या हुआ है कि तो हमेशा बहुत ही सिंपल बनकर आती है, आज इतनी तैयार शेयर क्यों हुई है। गुड़ी पाड़वा ये हिंदू लोगों का स्पेशली मार्शंस का त्यौहार होता है। गुड़ी सिंबल होता है विक्ट्री का, हैप्पीनेस का और प्रॉस्पेरिटी का, और इस खुशी के त्यौहार पर हम कुछ मीठा तो ज़रूर बनाते हैं, तो मैंने भी कोशिश की है कुछ मीठा बनाने के लिए। चलिए खीर बनाने की हम शुरुआत करते हैं। ये है चावल जिसको पहले से ही थोड़ा सा उबाल के रखते हैं चावल की खीर बनाने के लिए, और यहाँ ये तैयार होने के लिए है पूरे ड्राई फ्रूट्स जिसको अच्छे से काट के, मतलब छोटे छोटे उसके पीसेस करने पड़ते हैं ताकि खीर खाने के टाइम ज़्यादा मुंह में बड़े बड़े पीसेस न लगे। इलायची उसको पीस के रखी है ताकि एक अच्छी सी फ्रेगनेंस और एक अच्छा सा उसका टेस्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है खीर बनाने के लिए, खीर बनती है स्पेशली दूध और ड्राई फ्रूट्स के वजह से, इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है। चावल की खीर बनाने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि ना ही वो चिपचिप हो और ना ही वो कच्चा रहे। ये मैंने डाल दिया है चावल में, अब इसमें हम डालेंगे शुगर। आधे किलो चावल के लिए मैं डालूंगी डेढ़ कटोरी, जैसे कि आप कटोरी की साइज देख ही सकते हैं। अब मैंने इसमें चावल, दूध और चीनी डालती है। अब मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर। वेल, मैं अभी बस एक अच्छी स्क्रिप्ट का वेट कर रही हूँ कि अच्छी कैरेक्टर, जैसे कि मैंने सैली कैरेक्टर किया, इट वॉज अ पॉजिटिव रोल, बट दो पॉजिटिव रोल में भी बहुत कुछ करने के लिए था, और मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि मुझे अच्छा लेकिन कुछ अलग रोल करने को मिले, तो लेट्स सी अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट या अच्छा कैरेक्टर रखा है तो आपको डेफिनेटली मैं करूँगी। वैसे फिलहाल मैंने तमिल मूवी की है, उसकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी बिजी हूँ, और बेसिकली मुझे इन सबसे ज़्यादा एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एक्टिंग इज़ माई पैशन, और मुझे बहुत खुशी होती है व्हेनेवर आई एम एक्टिंग, फिर वो एड फिल्म के लिए हो, फिल्म के लिए हो या फिर टेलीविजन के लिए। मेरे हिसाब से एज एन एक्टर आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि आपको पॉजिटिव रोल ही करने हैं या नेगेटिव रोल करने हैं, ये आपके ऊपर होता है कि आप उस नेगेटिव रोल को भी कितना अच्छे से करते हैं कि ऑडियंस आपको नेगेटिव होने के बावजूद भी प्यार करे। गुड़ी पाड़वा के दिन और एक स्पेशल बात होती है, इस दिन बहुत से लोग गुड़ के साथ नीम के पत्ते खाते हैं। अब वैसे ये खीर तैयार तो है, लेकिन
भगवान को भोग लगाने के लिए मैं इसमें और एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, वो है तुलसी लीव्स। भगवान को तो मैंने भोग चढ़ा दिया जो भी मीठा मैंने बनाया है। अब मेरे लाइफ की सबसे स्पेशल, हाँ, भगवान के नाम से ही उन्हें कहते भी, उन्हें भगवान भी कहते हैं, और भगवान ने अपना रूप समझ के हम सबकी लाइफ में माँ को भेजा है। तो मैं अभी अपनी मम्मी से पूछूंगी कि मैंने खीर कैसे बनाई है। काफ़ी टेस्टी बनाई है। मम्मी ने तो मुझे पास कर लिया कि मैंने खीर बहुत अच्छी बनाई है। बहुत अच्छी है। चलिए, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे घर वालों को खीर, मैंने बनाई हुई खीर बहुत अच्छी लगी। That's all for today. I hope you enjoyed our today's episode. So don't forget to send your suggestions and comments at WhatsApp TV @india-forums.com. We will meet you next week. Till then, take care. Goodbye and happy Gudi Padwa. Basically, Gudi Padwa is a Maharashtra New Year, and it's celebrated for the prosperity and happiness of the family. और उसका सिंबल होता है गुड़ी, जिसकी पूजा की जाती है और घर के बाहर उसे लगाया जाता है। इंडिया फोरम्स के सभी फैंस को हैप्पी गुड़ी पाड़वा। From me too, ditto. Happy Gudi Padwa. To all the viewers and to all the fans, Happy Gudi Padwa. Me and my sister wants to wish all the viewers happy Gudi Padwa and happy New Year.